हेलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किया हुए थे टॉपिक। इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले आपको एक जनरल मेथड से भी करा चुका हूँ, उसके बाद फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को किया हुआ था कैलकुलस मेथड से। आज मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कराने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड से, जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। तो आपके पास हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आज, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसको पढ़ने से पहले 2 मिनट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इस लेक्चर से पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। एक पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया था, एक मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। छोटे छोटे वीडियो हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आपने इस लेक्चर को देखने से पहले वो नहीं किया तो इसी सीक्वेंस में इससे प्रीवियस आप 2 लेक्चर देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो नहीं देखा है आपने तो पहले वो 2 लेक्चर्स आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने देखा हुआ है उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, पहली इक्वेशन हमारी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, a एक्सेलरेशन होता है, बोला जा रहा है ग्राफिकल मेथड से। तो मैं थोड़ा सा देर के लिए पहले सोचता हूं कि भाई एक्सेलरेशन किस इक्वेशन के अंदर आएगा, कि एक्सेलरेशन को कौन से ग्राफ से मैं निकाल सकता हूं। तो अगर मैं थोड़ा सा सोचूं और मैंने प्रीवियस पढ़ा हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब हम बात कर रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स दी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को पकड़ते हुए हम स्टार्ट करेंगे कि भाई हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेना चाहिए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल देना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो वो मुझे फिर एक्सेलरेशन देने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो उससे पहले मैंने कह दिया लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड फाइनल इज वी। ठीक है, एंड इट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, हमने कहा बच्चों कि हमारे पास सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां पे हम टाइम बना देते हैं और इस एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी को बना देंगे। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई पार्टिकल ए से बी जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हुए, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहां पे वो है यू, और जब वो फाइनल बी पॉइंट पे पहुंचता है जहां तक मैं उसका मोशन करवा रहा हूं वहां पे मैंने बोला उसके, आप इसको एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूं फिर मेरे लिए लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से है इनिशियल, वो ए से शुरू करता है, यहां पे वेलोसिटी उसकी यू है और यहां उसकी वी है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा दूर रख देते हैं ताकि हमारे लिए वैल्यू रखना आसान हो जाए। वेलोसिटी, तो ये जो आपके पास वैल्यू है, दिस वैल्यू इज यू एंड दिस वैल्यू इज वी, सो दिस कंप्लीट वैल्यू इज वी एंड दिस इज यू, देन दिस इज वी माइनस यू। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दी इक्वेशंस। आप इस तरीके से फिर इसको आगे बढ़ा लेते हैं। आपने बोला यहाँ पे टाइम आपका जीरो होगा, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोला टी हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव करने जाऊंगा वो सब लिखने के बाद, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं लिखूंगा कि एक स्टेटमेंट लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। स्टेटमेंट क्या होता है, द स्लोप अंडर, स्टेटमेंट लिखना चाहिए मुझे द स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने कहा कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो हमारा एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, आपने कहा एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अब स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, आप स्लोप निकाल लेते हैं, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन स्लोप इज 10 थीटा। तो आपने बोला है
हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस, हमने मैंने बोला था लास्ट लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, उस लेक्चर में देखोगे तो वहां पे हमने सॉल्व किया हुआ है टेन थीटा इसको बोलते हैं। तो बच्चों टेन थीटा, थीटा के सामने का आपका ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेनियस और ये बेस। तो टेन थीटा आपका जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर। तो विच ब्रांच इज परपेंडिकुलर, बीसी, और बेस कौन सी ब्रांच है आपकी, आपकी ब्रांच है एसी, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी, अगर ये V माइनस यू है देन डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो V माइनस यू। तो हम यहां पे A लिख देते हैं और यहां पे V माइनस यू अपॉन T, AC आपका जो ये है दिस इज T, ठीक है, जीरो टाइम तो यहां पे T है तो ये वैल्यू आपकी T आ जाएगी। यहां से मैं एक चीज आपको लिखा रहा हूं, T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। अब ध्यान से सुनिए, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दो। अभी जब थर्ड इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो थर्ड इक्वेशन में बोलूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, तो वहां पे फिर आपको ध्यान देना है कि थर्ड इक्वेशन नंबर वन क्या थी। आपको इसको अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे हैं तो आपको इक्वेशन नंबर वन याद रखनी है, नहीं भी नोट्स बना रहे तो अभी इसी समय जब वीडियो देख रहे हैं तो आगे देखने के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर वन लिख दीजिए कि दैट टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80 जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन, वी ऑल नो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हमको क्या निकालना होता है, डिस्टेंस निकालनी होती है। जब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर हम बात करते हैं एरिया निकालते हैं, क्योंकि देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम अगर करोगे तो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर आप एरिया निकाल देते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर तो वो डिस्टेंस देता था, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, सपोज इसको मैं s से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी। इस ए बी के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है ये आपको एरिया निकाल देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा एरिया, अब एरिया की बात करेंगे तो ये इसके अंदर क्या आ रहा है ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल ए सी, सपोज यहां पे नेम नहीं है तो डी और इसको ई बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ बोल देते हैं ओरिजिन के लिए तो ज्यादा बढ़िया है। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा ए ओ सी डी, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ए सी इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए सी इंटू क्या लिख देना चाहिए मुझे, या ए ओ ही लिख दो, क्या प्रॉब्लम आ रही, इज इक्वल टू हाफ। अब बेस देखिए यहाँ पे बेस कितना है, इस ट्राइंगल का बेस कौन है ए सी, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी बी सी प्लस ए सी इंटू ए यू। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए हाफ ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं, एडजस्टेड नहीं होगा ज्यादा लिखने में, तो एस इज इक्वल टू देखिए हाफ, एसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एसी कितना है देखिए ये टी है, ये टी टाइम है आपका, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी टी होगा फिर, ठीक है। तो हाफ इंटू टी इंटू दिस इज वेयर इज बी सी, ए सी इंटू ओके बी सी, दिस इज बी माइनस यू, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा एसी इंटू ए हो जाएगा। एसी कहां पे आपका देखिए, एसी आपका टी है और ए ओ आपका यू है, ठीक है। तो अब इसको देखिए ये क्या बन गया आपका, इसको मैं पहले लिख देता हूं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसको अगर मैं देखता हूं तो टी और यहां पे वी माइनस यू। तो मैं अगर इक्वेशन को देखूं तो ऑलमोस्ट मैं सॉल्व कर चुका हूं कैसे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अब मैंने क्या किया था, इक्वेशन नंबर वन थर्ड में तो यूज होगी, यहां भी देख लिया कैसे यूज करते हैं इसको। तो आपने क्या किया था देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन ये आपको पता है देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास ए टी स्क्वायर चाहिए ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, तो वी माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए टी, बस यहाँ पर रख दो वी माइनस यू की जगह, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी है ही, और इसकी जगह ए टी हो जाएगा, तो आपका प्रूफ हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास, ये दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से आपको थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करना होता है। अगर आपको थर्ड इक्वेशन दी जाएगी तो थर्ड इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, थर्ड इक्वेशन में सेम बिल्कुल मैं अभी कैलकुलेशन इसमें करने वाला हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ही जैसा मेथड पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको सुविधा मिलेगी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे थर्ड इक्वेशन का प्रूफ होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहां से कि आप पूरी इक्वेशन को यहां तक, अगर आप बात करते हैं इस रीजन तक, सेम सॉल्व करिए। कहां तक आपने देखिए, ये तो मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है अभी, एस इज इक्वल टू हाफ, या यहां तक ये वाली इक्वेशन जो लिखी है, देखो यू टी प्लस हाफ इंटू टी वी माइनस यू। तो देखिए ये प्रूफ करके आपको लेके आना है, आप खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आप अगर सोचोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपको क्या नहीं चाहिए इसमें, टी इक्वेशन में नहीं है और यहाँ पे टी है, तो आपको पता है कि भाई आपके पास वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और टी की बात आप करेंगे तो वो होगा वी माइनस यू अपॉन ए, तो टी की जगह पे आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे यू हो जाएगा और टी की जगह पे आप रखिए वी माइनस यू अपॉन ए, सेम मेथड सॉल्व किया ना, उसके बाद ये पुट कर दो प्लस वी माइनस यू अपॉन ए इंटू वी माइनस यू। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि वी माइनस यू यहाँ पे कॉमन है, कुछ सोचेंगे टी पहले कॉमन लेना था, वो भी सही सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, वी माइनस यू अपॉन ए आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हाफ भी था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा यू प्लस हाफ और यहाँ बचेगा वी माइनस यू, ठीक है। करना क्या है, इसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसको यहां से हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आप करेंगे तो 2u प्लस v माइनस u अपॉन 2, ठीक है, तो v माइनस u अपॉन a और ये हो जाएगा आपका v प्लस u बाय 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो गया है, और यहां पे s था, v square minus u square is equal to 2as, v square is equal to u square plus 2as। तो आपने क्या देखा, this is third equation। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, graphical method से आप first equation, second equation और third equation कर सकते हैं। तो graphical पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया है, numerical भी पूछे जाते हैं इस पे based, और ये सारी चीजें भी हैं। तो I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।